Alaikum, कैसे हैं आप सब मैं जुलेखा अरफाजन से आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी अल्लाह का करम मैं आप लोग की दुआ अलहमदल्ला मजे में हूँ so, सो आज हम क्या बना रहे हैं आज मैं बना रही हूँ टर्किश चिकन बहुत ही मजेदार और बढ़िया सी रेसिपी आप जरूर बनाइएगा इंजॉय भी करेंगे आप बना के तो चलिए बनाते हैं क्विकली आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा डिश बनाते हैं आज की चलिए ये है आधा किलो चिकन बोनलेस वैसे मैंने थाई पोर्शन लिया आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं और इसके मैंने थोड़े बड़े बड़े पीस किए हैं एकदम छोटे छोटे नहीं है जैसे आप देख सकते हैं इसे दो तीन पानी से धो लिया था चर्बी निकाल ली थी और नितान ने साइड पर रख दिया था जब जाए तो एक बाउल में डाल दीजिए इसमें मैं डाल देती हूँ एक छोटा छा चम्मच नमक आप चाहें तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का मैं पेस्ट डाल रही हूँ आप चाहें तो कूट के या काट के भी डाल सकते हैं ये आधा कप टमाटर प्यूरी है मैंने बाजार के लिए आप चाहें तो घर में की भी टमाटर को पीस सकते हैं दो टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिए एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल अच्छा आप चाहें तो सादा नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं एक छोटे चेहरा चम्मच ऑरिगेनो एक छोटे चाइका चम्मच काली मिर्चों का पाउडर दो छोटे चाय चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो पेपरी का पाउडर भी डाल सकते हैं एक छोटी चाहे का चम्मच जीरा पाउडर वन फोर्थ कप भरकर गाढ़ी दही ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढाक इसे फ्रिज में आधा या एक घंटे के लिए रहने दीजिए मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा हो चुका है तो एक फ़्राई पैन के अंदर आप चाहें तो तेल डाल दें थोड़ा सा ग्रीस कर लें नहीं तो नमक डालिएगा ऑप्शनल है अब ये जो सारी चिकन मैरिनेट करी हुई है ये सारी डाल दीजिए और चूल्हा फ़ास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और तकरीबन तीन चार मिनट तक बार बार चलाते हुए ये जो चिकन है इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें जब तीन चार मिनट हो जाते हैं फ़ास्ट आंच पर तो स्लो आंच करके ढाक के इसे पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती तकरीबन मैं पंद्रह मिनट के लिए इसे पका रही हूँ

कंटिन्यूस इसे चलाते रहे बार बार चलाते हुए इसे तकरीबन मैं स्लो पर तीन मिनट पका रही हूँ तीन साढ़े तीन मिनट अगर आप मीडियम आंच करना चाहें तो आप मीडियम आज कर सकते हैं लेकिन उस सूरत में समझिए ना दो ढाई मिनट के अंदर ये पक जाएगा जब अच्छे से भून जाए ये हमारी मैदा तो इसमें डाल दीजिए सवा कप दूध यहाँ पर सवा कप दूध डालने के बाद मैं थोड़ा सा मीडियम आज कर देती हूँ चूल्हे को सो दैट इसमें एक हल्का सा उबाल आ जाने लगे हल्का उबाल आ जाए तो चूल्हे को मैं फिर से स्लो कर देती हूँ और इसके अंदर नमक अगर आपको लगे डालने जैसा पहले चख लीजिए तो थोड़ा नमक डाल दीजिए और आधा चिड़चा का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे जब थोड़ा सा थिक हो जाए एकदम थिक भी मत कीजिए सिर्फ पकना है थोड़ा सा जब आप देख लेंगे हल्का पक गया और ये देखिए इस तरीके से ऐसा रहे टेक्स्चर तो चूल्हा कर दीजिए बंद जो चिकन वाला फ्राई पेन है वो फिर से यहाँ ले लेती हूँ मैं और इसे फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और इसे हल्का गर्म कर लीजिए देखिए थोड़ा सा गर्म हो गया ना यहाँ पर मैं यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हल्का हल्का चिटका हुआ ग्रेवी रखी हो आप चाहें तो पूरी तरीके से सुखा भी सकते हैं इसको अब इसे फैला दीजिए और इसके ऊपर ये जो हमने ये जो वाइट सॉस बनाया है चूल्हा कर देती हूँ स्लो और यहाँ ये जो व्हाइट सॉस है ये क्विकली उसी समय डाल दीजिए इसे भी फैला दीजिए चारों और अब डाल दीजिए वन फोर्थ कप से ज़्यादा लेकिन आधे कप से हल्का कम लेकिन आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं चीज़ मोजरेला चीज़ डाल सकते हैं आप मैं मोजरेला ज़्यादा नहीं प्रिफर करती हूँ तो मैं डाल रही हूँ छड्डा और मोजरेला मिक्स आती है वो वाली चीज़ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ थोड़ा सा औरगैनो डाल दीजिए थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमेर या फिर आप पासली भी बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं और इसे ठाक कर स्लो आंच पर तकरीबन पाँच छः मिनट तक पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती अच्छा अगर आप मोजरेला डालेंगे ना तो वो जैसी जो स्ट्रिंग्स टाइप आती है ना वैसे होगी तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगी और टेस्टी भी लगेगी चलिए तकरीबन छः सात मिनट हो चुके हैं चूल्हा में कर देती हूँ बंद क्योंकि मेल्ट हो चुकी है चीज़ और गरमा गरम इसे सर्व करिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनती है टर्किश चिकन जरूर बनाइएगा आप चीज़ आधा कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा असलम तो ये है टर्किश चिकन कबाब विदाउट ग्रिल विदाउट अवन तो बनाते हैं चलिए तवे के ऊपर शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिश बनाते हैं आज की चलिए ये है आधा किलो चिकन चर्बी निकाली हुई है दो तीन पानी से धो के मैंने मीडियम से थोड़े बड़े ही पीस किए और मैंने इसे छन्नी के ऊपर रख दिया था पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे के लिए कि पूरी तरीके से जो जो इसमें गीलापन है वो सूख जाए और अगर आपको चाहिए तो आप बैड ड्राई भी कर सकते हैं मैंने थाई पोर्शन लिए आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं इसे एक बाउल में डाल दीजिए अब इसमें डाल दीजिए दो टेबल स्पून भरकर गाढ़ी दही आप हंग दही डालें तो भी कोई बात नहीं है वो भी आप ले सकते हैं डेढ़ छोटे चाय का चम्मच टमाटर सॉस डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच प्याज का पाउडर यानी कि ऑनियन पाउडर मिलता है बहुत ही आसानी से बाजार में वो डाल दीजिए और आधा छोटे चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर डाल दीजिए अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप गार्लिक पाउडर स्किप कर दीजिए और जो लहसन का पाउडर मैंने डाला है उसके बजाय आप लहसन कूट कर या पीस कर डाल सकते हैं आधा छोटा चाइ का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर चुटकी भर या मैं वन फोर्थ छोटा चाइ का चम्मच गर्म मसाले का पाउडर डाल रही हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स दो छोटे चाय के चम्मच विनेगर यानी कि सिरका दो टेबल स्पून या डेढ़ टेबल स्पून ये तेल ये मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल हो तो बेस्ट है और आधा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए बिजे हटा दीजिएगा बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढाक कर मैरिनेट करने दो तीन घंटे के लिए रहने दीजिए या फिर आप अगले दिन रात को मैरिनेट कर दीजिए और ढाक कर फ्रिज में रख दीजिए नेक्स्ट डे बना लीजिएगा मैं दो तीन घंटे के लिए रख रही हूँ दो घंटे हो गए हैं अब आपके पास तंदूर हो तो तंदूर में लगा दीजिए या फिर मेरी तरह मेरे पास है ना ये सीख है मैं इसमें लगा देती हूँ आपके पास भी हो तो इसमें लगा दीजिए ऐसी लंबी लंबी डालकर अच्छा अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई बात नहीं कांडी जो आती है ना स्टिक्स आती है उसमें वुडन स्टिक्स उसमें लगा कर रख दीजिएगा और इसमें लगा लगा कर इन्हें साइड पर रखते जाएं ऐसा जैसे धागे के अंदर हम कैसे वीव करते हैं वैसा वीव कीजिएगा ऐसा पिरोइएगा और इन्हें साइड पर रख दीजिए अब जो मसाला जो भी रह गया है वो बराबर से ले लीजिए और ये जो चिकन है इनके ऊपर लगा दीजिए फ्राई पैन के अंदर दो तीन टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए या फिर ऑलिव ऑयल डाल दीजिए और उसे फास्ट आंच पर गर्म होने दीजिए जब गर्म हो जाए तो हमारी ये जो चिकन पीसेस है इसे लगा दीजिए जो सीख में डालकर रखी है कच्ची ये सारी डाल दीजिए और फास्ट आंच पर दो मिनट तक फ्राई कर लीजिए जब दो मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए और स्लो आंच कर कर दीजिए। और पलट भी तकरीबन दो से तीन मिनट तक पकने दीजिए जब दो से तीन पलट कर पका लें आप स्लो आंच पर तो फिर से फिर अब मीडियम आंच कर दीजिए और इसे तकरीबन फिर से दो तीन मिनट तक पकने दीजिए तो इसी तरीके से अब यहाँ पर उलट पलट करते जाएं मीडियम आंच पर और जब उलट पलट करें और आपको ये जो ये चिकन का कलर जो है चेंज होता नज़र आए और हल्का हल्का जैसे ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए और तकरीबन टोटल मैंने पकाया ना आठ से नौ मिनट तक तो आठ से नौ मिनट में तो चिकन आराम से गल जाती है तकरीबन उलट पलट करते जाए हल्का हल्का मैं प्रेस भी करते जा रही हूँ चूल्हा मीडियम पर है आपको चाहिए आपके तवे में बहुत ज्यादा छिटक रहा है तो आप हल्का स्लो पर स्लो से मीडियम के दरमियान में भी रख सकते हैं इस बार और देख सकते हैं आप अच्छे ग्रिलिंग स्पॉट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आठ नौ मिनट तक पका लेती हूँ आठ नौ मिनट हो जाते हैं तो इन्हें निकाल लीजिए और इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल लीजिए साइड पर रख दीजिए ये बन गई हमारी बढ़िया सी सी मज़ेदार सी, टेस्टी चिकन कबाब विदाउट विदाउट ग्रिल विदाव्ट अच्छा मैं इसे है ना थोड़ी सी सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ और साइड पर आप देख सकते हैं हरी चटनी जो दही वाली होती है उसके साथ सर्व कर रही हूँ वैसे हरी चटनी का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा स्पाइस आप इस रेसिपी में अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर ऑफ इज बाय